तो आज हम बात करेंगे सिस्का के एक नए एलईडी नई इन्वेंशन के बारे में जिसका नाम है एक एलईडी बल्ब। तो ये सब एंटीबैक्टीरियल बल्ब है, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है और कितने का पड़ेगा इंडिया में, क्या लेने लायक है कि नहीं है। चलिए दोस्तों जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। आप जानते हैं यार, आज के टाइम में हमें एलईडी बल्ब काफ़ी स्मार्ट हो रहे जा रहे हैं, स्मार्टफोन के ऊपर ज़्यादातर लोग फोकस कर रहे हैं और एलईडी बल्ब धीरे 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 आगे आते जा रहे हैं। और ऐसे ही दोस्तों सिस्का ने एक नया बल्ब लॉन्च करा है, उसका नाम है एंटी बैक्टीरियल बल्ब। और ये बल्ब क्या है? बल्ब है दोस्तों 9 वाट का बल्ब है ये। इस 9 वाट के बल्ब में आपको एंटीबैक्टीरियल यानी कि 2 मोड मिलेंगे, एक यानी नॉर्मल मोड और दूसरा यानी एंटीबैक्टीरियल मोड। इसके अंदर दोस्तों आपके जो लाइक में फंगस वगैरह डंकाना पंकाना अजीरो फजीरो जो भी नाम है अजीरो जो भी बैक्टीरियो के नाम होते हैं, इतना डीप में मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी अजीरो फजीरो नाम होते हैं उस सारे बैक्टीरिया से आपको बचाएगा। चाहे वो आपके दोस्त हों, यार हो, रिश्तेदार हो, जो उनकी घटिया सी सोच होती है और आ जाते हैं हमारे सर पे मंडराने मच्छरों की तरह, तो उनसे आपको ये एलईडी बल्ब शायद ना बचा पाए, लेकिन वो जो छोटे छोटे मक्खी मच्छर आते हैं ना उनसे और बैक्टीरिया से तो आपके घर को बचा ही देगा। इस 9 वाट के बल्ब को दोस्तों आप 12 वाट के जो एक वो आता है सॉकेट, तो उसके अंदर भी आप फिट कर सकते हैं। और इस बल्ब की प्राइस रखी गई है सिर्फ मात्र 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये का ये बल्ब है एलईडी बल्ब। अगर दोस्तों आप ट्राई मारना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 2 बल्ब लीजिए और घर में लगाइए और देखिए कि बैक्टीरिया जाता नहीं जाता। यही तो दोस्तों 9 वाट का बल्ब है और आप एक लगाइए, अगर हम एनर्जी सेविंग के ऊपर देखें तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सेविंग भी हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा, जहाँ बिजली का बिल किसके बाद आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका बिजली का बिल आप खुद भर पाएंगे 9 वाट के एक बल्ब के साथ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सिस्का ने ये बल्ब लॉन्च करके क्या अच्छा कोई नई इन्वेंशन करी है, कुछ नया बदलाव लाएगी, कुछ चेंज लाएगी कि नहीं लाएगी? ये तो नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों आपकी राय तो बनती है इस बात में, तो अपनी जाके राय दीजिए कि आपको क्या लगता है कि सिस्का ने लॉन्च करके काफ़ी अच्छा काम करा है या सिस्का ने लॉन्च करके भैया हमारे लिए हमारी जेब पर भारी पड़ी है। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा अपनी राय और आपको क्या लगता है, और आपको कोई आंसर हो या कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, डिमकाना हो किसी को भी देखिए तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाइए और डाल दीजिए अपनी चिट। देखेंगे कौन लकी होगा, मैं उसकी कमेंट को उठाऊंगा और उसको शाउट आउट दे के उसके क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस इन्फॉर्मेटिव अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगा थोड़ी बहुत तो वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनके अंदर भी थोड़ी सी बुद्धि आए, उन्हें भी पता चले कि सिस्का वालों ने क्या लॉन्च करा और क्या क्या हो सकता है इससे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन का 1 घंटा होगा बजा डालिएगा दोस्तों, ताकि जैसे आप 1 घंटा बजाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी जो भी नई वीडियो आएगी, क्योंकि हमारी हफ्ते में आती है। वीडियो तो देखना तो बनता, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब रहिए और मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो करता हूँ मैं दी एंड, बोले तो दी एंड हो गया रे।